सो गुड टू सी एवरीवन। सना जी आपसे स्टार्ट करते हैं, जिस तरह से आप इस समय काफी सुर्खियों में अपने अलग अलग गानों को लेकर, ये गाने भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, लोगों को काफी पसंद आ रहा है, तो इस रिस्पॉन्सेज से चालू करते हैं, किस तरह के रिस्पॉन्सेज इस गाने से आपको अभी तक के मिले? फिर रिस्पॉन्स की बात करें तो आई वुड से मेरे जितने भी गाने अभी तक बाहर आए हैं, इट्स ऑल डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अनदर, एंड रिस्पॉन्स ज़्यादा, मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ, सो आई थिंक मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, दैट आई एम वेरी मच हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस एंड आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद साना, सो मेरा एक विश लिस्ट भी पूरी हो गई, आई कैन सी दैट। बहुत अच्छा लगा मुझे गाना, हम गाते हैं इसीलिए है कि सबको अच्छा लगे, तो पहले हमें अच्छा लगता है इसलिए बाहर आता है गाना, सो बहुत अच्छा नरमान भाई ने लिखा है, स्पीड रैकेट से आया और सना ने तो वाकमान परफॉर्मेंस दी है, उनका मन भी था गाने में आने का, वो बहुत पूरा उन्होंने बताई, सो बाकी अब सबकी सपोर्ट चाहिए और अच्छा हो रहा है और हो जाएगा। हाँ अच्छा लिखा हुआ है और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, आगे भी आता रहेगा, तो आप बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस पेन से लेके पोस्टर तक का बहुत अच्छा रहा, मैंने लिखा है गाना, कंपोज किया, हमने साथ में बनाया ही गाना स्टूडियो में, और जब हमने वीडियो करना था, जब हमारी रेकॉर्ड लेवल से बात हुई स्पीड से, तो उन्होंने कहा कि सना मकबूल जी को हमने लेना है गाने, तो पता नहीं था कि मैम आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन फॉर्चुनेटली वो हमारे गाने का हिस्सा बने एंड हमने बहुत मेहनत से ये गाना बनाया, और ये हमने चंडीगढ़ में शूट किया और उस टाइम में बारिश हो रही थी, रोज़ बारिश होती डेली, बस ये दो दिन बारिश थी और जहाँ पे हम शूट कर रहे थे वहीं पे बारिश नहीं हुई, बाकी हर जगह बारिश हुई। आई थिंक अफसाना का इफ़ यू सी द सॉन्ग का दिस इज ऑलवेज सम सैड सॉन्ग एंड आई थिंक दिस इज साधनी की मैं बात करूँ, तो इट्स अ लिटिल डिफरेंट जॉनर फॉर हर एंड थैंक्स टू निर्माण, उन्होंने भी मतलब यू नो उनका लास्ट सॉन्ग अफसाना के साथ ही था एंड वाज लिटिल ऑन द हार्ट ब्रोकन सैड जॉनर, बट ये जो है ये बहुत ही हैप्पी, द इट्स शोइंग द गर्ल वेरी मच शी लव्स, शी इज गोना गेट मैरिड, तो थोड़ी पगलेट जैसी लड़की है, she's trying different things, so I think it's different. अब सना जी आपने recommend किया था सना को, मैं जानना चाहूँगी reason उसके पीछे कि सना क्यों थी दिमाग में इस गाने सना क्यों दिमाग में थी, सना हमसे बात हुई थी सना की, तो वो भी मेरे जहन में था और ऊपर से सना बिग बॉस जीती थी वो भी हमारे जहन में था, तो इसीलिए फिर टीम ने सारी ने डिसाइड किया नरमान मेरे से, मुझे तो मेरे को तो पता था कि सना और हम काम करना चाहते हैं, और नरमान भाई ने जैसे ही बोला तो मैंने बोला हाँ हो जाएगा, वो हमारे एक फ्रेंड है और वो भी चाहते हैं कि वो काम करें, सो फिर बात बन गई, तो आज सामने साथी लेके और सना वापस आपके जो बने हुए हैं परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आप देख ही रहे हैं। सना हाथों में मेहंदी दिखाई दे रही है, खास Nothing, it was my best friend's engagement. That's mehndi for sure. engagement thi humne dekha kafi aap logo ne enjoy kiya, Munawar Rajiv sab ne enjoy kiya, kya kuch batana chahenge aap event ke bare mein? Now let's stick to the song. लाला लोरी कोई सीख थी है, इससे उमदार गाने के बाद आपने ये गाना किया, ये भी काफ़ी अलग जॉनर है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो गाने का सिलेक्शन होता है वो आप किस तरह से करते हैं? हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं हमेशा, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर तरह का गाना गाऊँ और अगर गाती भी हूँ तो मेरे से गवाने से पहले तो राइटर साहब होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि ये गाना किसको सूट करेगा किसको नहीं, सो वो नरमान भाई है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये गाना हम करने वाले हैं और हमने फिर मिल के सारा बनाया, तो बस कुछ डिफरेंट करने का सोचा था और वो किया है। राइटर से लेकर पोस्टर पे आने तक का कुछ एनी स्पेशल मोमेंट इवन डायरेक्शन? डायरेक्शन तो मैंने पहली बार की है और मेरे बाकी सारे दोस्त डायरेक्टर बिजी थे तो मैंने सोचा मैं कर देता हूं एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ये बहुत अलग गाना है, हमारे यूजुअली भी और बहुत सारे गाने बने पड़े हैं सैड सॉन्ग्स रोमांटिक सॉन्ग जो हम करते भी हैं मोस्टली करते हैं,
ये थोड़ा सा अलग गाना है, इसका म्यूजिक थोड़ा सा अलग है, हम कुछ करना चाहते थे। मैं हरियाणवी नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम पंजाब, बट मैंने स्टिल हरियाणवी में लिखने की कोशिश की। देन हमने गाने में, अगर आप सुनोगे तो गाने में बहुत सारे ट्रांजिशन है, तो हम कुछ अलग करना चाहते थे, नॉट द यूजुअल सॉन्ग। दिस सॉन्ग हैपेंड। सो अब अगर सना के साथ कोई गाना करना चाहेंगे तो वो कौन सा जॉनर होगा जिसमें आप गाना? वो सना पहले बताएगी कौन सा करना चाहता है। मैं बताऊँ? ऑफकोर्स अफसाना का कोई भी गाना फिर मान ले, रोमांटिक गाना कर सकते हैं सर। सिर्फ रोमांटिक, सैड। सैड आप निकल गए ना उसका में? नहीं, परेशानी। अच्छा, सैड भी। हर गानों में तो अलग अलग लुक आपका दिखता है, इसमें भी काफी अलग अलग लुक दिखते हैं आपके, तो आपके लुक के बारे में आप पर्सनली आपको कितना पसंद? आई थिंक लुक्स में दे वर वेरी लाइक यू नो, एक होता है ना जो बोलते हैं ना कैप्टन ऑफ द शिप हैज टू बी वेरी पर्टिकुलर, तो आई थिंक निर्माण ने वो मेक श्योर किया था। आई थिंक मेरी इतने ट्रायल्स भी नहीं हुए थे, ये बहुत ही लिमिटेड चार कपड़े आए थे, आई थिंक चार कपड़े बस फाइनल फॉर द होल, जो मतलब बोलते हैं ना श्योरिटी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ वो बहुत ही सेट था। सो आई थिंक प्लानिंग से लेके प्रोजेक्शन तक एवरीथिंग वाज वेरी मच सॉलिड। सो हमने डिफरेंट डिफरेंट लुक दिया है, एक पंजाबी लुक दिया है, एक वेस्टर्न लुक दिया है, एक हिप्पी लुक दिया है। सो जैसे जैसे गाने का ट्रांसफॉर्मेशन और बीट चेंज होती है वैसे वैसे लुक्स भी चेंज होते हैं। एज ए एक्टर आपको तो काफ़ी सारे काम करने, अलग अलग करने, अलग चीज़ एक्सप्लोर करना है, बट आपकी पर्सनल जॉनर की बात करें तो आपको कौन से सॉन्ग को लेकर आप ज़्यादा बैठ सकते हो, लव सॉन्ग, इमोशनल सॉन्ग? सी, मैं गाने वैसे लेती नहीं हूँ, बट आई थिंक सॉन्ग दैट आई लाइक मी, मुझे जो पसंद है, वेदर इट्स सैड, वेदर इट्स हैप्पी, वेदर इट्स एनीथिंग। सो सना, इससे पहले जो गाना आया था वो करणवीर के साथ में था, और जिस तरह से करणवीर घर के अंदर धमाल मचा रहे हैं, कैसा लग रहा है फॉलो कर पा रही है अपने दोस्त को बिग बॉस हाउस के अंदर? जाने से पहले मैंने उसे एक चीज़ बोली थी कि यू विल डू गुड, जो मुझे उसे टिप्स देने थे मैं दे चुकी हूँ, सो आई थिंक वो अच्छा कर रहा है। तो मतलब बाहर से देख रहे हैं हमने? नहीं, आई एम नॉट एबल टू फॉलो दैट मच, बट जितना भी मैं देख रही हूँ मैं इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ। अफसाना जी, आप भी हिस्सा रह चुकी हैं बिग बॉस के घर का, आप फॉलो कर पा रही हैं ये सीजन? नहीं, मैंने जब से बिग बॉस किया तब से मैं उसको देखा नहीं। कोई रीज़न तो कुछ नहीं है, बस टाइम नहीं है इनके पास, टाइम भी नहीं है, और थोड़ा सा लड़ाइयाँ, हाइपर होना, ये सब चलता है, वो दिमाग खराब हो जाता है, फिर बंदा अपना फ्लैशबैक चला जाता है। तो इस चक्कर में मेरे हस्बैंड ही नहीं मुझे देखने देते आज तक, आगे मैंने खुद का अपना एपिसोड नहीं देखा। तो इंस्टाग्राम वगैरह पे आपने देखे ही होंगे वो कलर्स कहाँ आ जाता है? अब कौन सा कंटेस्टेंट बिग बॉस आपकी का तो मुझे पता ही करना चाहिए, अभी का तो मुझे कुछ भी नहीं नॉलेज, सना टाइम तो मुझे फिर भी पता था कि सना है, तो बाकी का मुझे अभी नहीं पता और सना विनर है वो भी मुझे पता था क्योंकि म्यूचुअल फ्रेंड्स है ना हमारे। जैसे अफसाना मैम ने कहा कि वो काफी मतलब बिग फॉलो नहीं कर पा रही बिग बॉस को, बट आप विनर रह चुकी है और यही साल रह चुकी है, तो काफी चर्चे में हो, तो अगर आपको एज अ गेस्ट बिग बॉस में जाने का मौका मिला तो आप किसी राय बात और किसी से कुछ सजेशन देना चाहोगे? Why not? I would love to go back to the house. I miss the house. और किसी राय देना चाहोगे, कोई सजेशन? राय तो नहीं, सजेशन भी नहीं, सब हम अपना खेलते हैं। I think that's good. आपका फेवरेट कंटेस्टेंट? अभी तक आप दोनों का इससे पहले जो कोई सी गाना है वो बहुत ही बड़ा हिट रहा है, एंड अब तो गाने के भी सीक्वल्स वगैरह आने लगे हैं, पार्ट टू वगैरह आने लगा है, कोई चांसेस हमें कोई सी का दूसरा सीक्वल देखने के कुछ चांसेस वगैरह मिल सकते हैं? बात पर्दे में रहने तो यही ठीक है, क्योंकि वो जब आएगा कोई सी कोई है वो सब पता चल जाएगा, मतलब अच्छा ही आएगा। तो इसका मतलब हम हाँ समझे कि नहीं पढ़ते में? हाँ समझ लो आप। आए क्या कुछ है आगे पाइपलाइन में, कुछ बताना चाहो? क्या पाइपलाइन में क्या कुछ है? अच्छा, आने वाले वक्त में क्या? मेरे से पूछा, इनसे पूछा, दोनों से, दोनों से, सभी से, क्या सभी से पूछा? नहीं, मेरा तो जो आएगा देख जाएगा, सबका वही है। कुछ कुछ बता दीजिए, सब लोग ऐसा कह रहे हैं। हमने
भी काफी गाने बनाए हुए हैं साथ में, और आई एम श्योर अब साना ने और भी बहुत सारे लिरिसिस्ट, आर्टिस्ट, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे लोगों के साथ गाने किए हुए हैं, फिल्म्स के गाने हैं. सेम आई राइट सॉन्ग्स, आई कंपोज सॉन्ग्स, आई मेक सॉन्ग, हमारे भी गाने ही हैं, हम बैक टू बैक गाने कर रहे हैं. और मैं मोस्टली कोशिश कर रहा हूँ कि हर आर्टिस्ट, जितने भी मोस्टली इंडिया में आर्टिस्ट हैं और पंजाब में जो आर्टिस्ट हैं, उनके साथ काम किया जाए और हम सबके साथ ही गाने बन रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग आए हो हमें प्यार देने के लिए, और इन वीडियो को खूब वायरल कर लो, साधनी सारे पसे और ट्रेंड करना चाहिए. आप लोग यहाँ बैठे हैं और हम गाने को दो लाइनें भी सुने, ऐसे कैसे हो सकता है? प्लीज दो लाइनें हमारे लिए गा दीजिए. ओ मेरा तिमाही शहरी वाला, मिले नू मैनू बहुत काला, ओ मैं साधनी बन जाऊं तेरे प्यार में, मैं साधनी बन जाऊं तेरे प्यार में, प्यार में. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हम गाना देख लेते एक बार.